शिक्षा अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। इस क्रम में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जो है खबरों में रहता है। खबरों में किस कारण रहता है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहता है। मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण, रेप, बैंक रॉबरी, मुजफ्फरपुर में अपराध जो है बढ़ चुका है। अपराधी के मन में कोई पुलिस का भय नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ हो रही हैं जहाँ लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन पुलिस को लुटेरे को नहीं पकड़ना, मर्डरर को नहीं पकड़ना, रेपिस्ट को नहीं पकड़ना, केवल शराब के पीछे लोग भाग रहे हैं, वसूली करना। पूरे बिहार में ये हाल हो गई है, हाल हो गया है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला उन पीड़ित परिवारों का नहीं है। आप देखिएगा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा। आज जो स्थिति बनी हुई है, चाहे लैंड सर्वे हो रहा हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर की बात हो, बिजली का भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, पेपर लीक हो रहे, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, पुल पुलिया मेगा पुल सब गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और लोग परेशान हैं। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है देखने को मिलता है। लोग जो है परेशान है, लोग आहत है, लोग जो अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार 20 साल से है और केंद्र में 11 साल, बिहार में 20 साल, फिर भी जो है कई बार से सांसद जो है मुजफ्फरपुर के NDA के हैं, जीत रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जो देखा जाए इनके द्वारा जो है विकास हित में मुजफ्फरपुर के हित में उस प्रकार का काम नहीं देखने को मिला जो 20 साल से राज करता हो, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोग जो है ये जानने आए हैं कि भाई कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बूथ लेवल पर रहते हैं, लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, पार्टी का झंडा धोते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे और उनके इलाकों की, उनके ब्लॉक की, उनके पंचायत की क्या समस्या है इसकी भी जानकारी हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग जो है यहाँ मुजफ्फरपुर आए हैं तो और जासूसी तो पूरी चल रही है। दरभंगा के कार्यक्रम में तो बाकायदा CID और स्पेशल ब्रांच के लोगों को भेजा गया और ये क्लोज डोर मीटिंग हम लोग जो कर रहे हैं इसमें तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का। पत्रकार के रूप में CID के लोग बैठे हुए थे, जब पूछा गया भाई पत्रकार हैं बाहर चले जाएं, तो बाद में वो जा नहीं रहा था। बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला भाई कौन हो तो ID दिखाया, यानी निगरानी तो अच्छे से चल रही है। काश ये निगरानी अपराधियों पे हुआ होता, भ्रष्टाचारियों पर हुआ होता। सरकार ने दावा किया कि 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देगी उनकी सरकार आती है। गांधी जी का पीछे फोटो है, शराबबंदी कर खत्म कर देगा। अच्छी बात, अच्छी सोच है। झारखंड में प्रधान या तो गांधी जी का फोटो लगाना बंद कर दे। महात्मा गांधी तो शराबबंदी के पक्ष में थे ना, ये तो आज अभी देख रहे हैं भाई गांधी जी का पीछे फोटो है, आप बोलते हैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो अद्भुत है, निराला है। क्या तोहफा है, कितना तोहफा, कितना कम हुआ है ट्रेन? अरे 50 को ट्रेन कम करके 1 दे दीजिएगा तो तोहफा हो गया। कीमत कितना बढ़ा है, अरे जब से UPA की सरकार गई है तब से कितना कीमत में बढ़ोतरी हुई है टिकट की, कोई बता तो दे हमको। और भाई
वही एक्सप्रेस वे हो, लेकिन आप देखिएगा कि इतना एक्सीडेंट हो गया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? कितना एक्सीडेंट, समय पे ट्रेन चले ना चले, लेकिन समय पे एक्सीडेंट जरूर होता रेलवे का। रेलवे का बजट कौन खत्म किया? रेलवे को प्राइवेटाइज किसने किया? इसका जवाब तो देना, कोई तोहफा कहाँ है? अच्छा, सत्ता पक्ष द्वारा जो आप जो है सरकार से हटा करके प्राइवेट व्यक्ति को दे दिए, अब बोल रहे तोहफा है? तोहफा तो किसी और को दिए, पूरा रेलवे ही प्राइवेटाइज कर दिया, तो तोहफा तो किसी और को मिल गया ना। तो सत्ता पर रहते तो विदेश जाते हैं, और सत्ता से हटते हैं तो जनता के पास जाते। कौन सा, मेरा तो पासपोर्ट कोर्ट में रहता है भाई साहब, हम तो अनुमति लेके जाते, सरकारी कार्यक्रम था टूरिज्म को लेके, तो केवल जापान गए थे, और कहाँ गए थे? बिहार का प्रमोशन ना हो, और उसमें तो भारत सरकार के ही लोगों ने इन्वाइट किया था, तो वही लोग लेके गए थे, तो इन लोगों को कोई आइडिया तो है नहीं, इन लोगों को विकास से क्या मतलब? हम तो बोलते हैं 5 लाख नौकरी दी, हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमने मानदेय को बढ़ाया, हमने आईटी स्पोर्ट्स टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का एक एक काम गिना दो तू जरा, आज हो गया ना, कितना हो गया, 8-9 महीना हो गया ना भाई, एक कोई काम तो किए होंगे, एक कोई काम बता दो जो भाजपा के नेताओं ने किया। हम तो कई बार बोल रहे कि इसको हर सरल सुगम बनाना चाहिए, ग्राउंड लोगों ने देखा, तस्वीर साझा किया, तो हम तो कह रहे ना भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है पूरी तरीके से। तो हम स्वास्थ्य मंत्री थे, तो ऐसी स्थिति थी कि घुसने लायक बाथरूम में घुस नहीं सकते थे लोग, डॉक्टर समय पे नहीं आते थे, उस समय 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, 200 को सस्पेंड किया गया, अभी भी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया, दवा की सीमा को बढ़ाने का काम किया, रैंडम हम लोग छापा मारते थे, या हम भी आए थे इसके पीछे, रैंडम रात में छापा हमने मारा। क्या स्थिति है अब, किसी को मतलब है? यहाँ जो डबल इंजन के सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको क्या मतलब है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई से? उनको केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और कश्मीर बांग्लादेश यही दिखता। यहाँ की स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक होती है, इसलिए आप देखिए केंद्र सरकार तो मना कर दिया बिहार को कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, वोट लेने के समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे, मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल पा रहे हैं। बिहार जो लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें कितने लोग परेशान हैं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या रोक देना चाहिए लैंड सर्वे? आपको और सरल और सुगम बनाना चाहिए, जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए, उसको सरल और सुगम बनाने की जरूरत। लेकिन आप देखिएगा क्या मुख्यमंत्री कुछ ये चीजें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती? बीजेपी के प्रदेश, ये हकीकत है, जब तक आप सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए ना। आज के 3 दुश्मन कांग्रेस, भाजपा और राजद। प्रधानमंत्री जी ने, अब प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए क्या है? मणिपुर गए हैं क्या? उनके पार्टी के जितने बलात्कारी हैं सबको तो मंत्री एमपी बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए, कोई कार्रवाई हुई है क्या? प्रधानमंत्री जी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिहार को ना स्पेशल पैकेज दिया ना स्पेशल स्टेटस दिया, केवल वोट के समय प्रचार करते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिहार को उन्होंने सबसे पीछे ढकेल दिया।
आज नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप लोग देखेगा तो प्रधानमंत्री जी आपके 11 साल के शासन में बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, लगभग जो भारत सरकार का आंकड़ा है पलायन का वो 2,90,00,000 लोगों का है, जो मेरा मानना है वो 3 से 4 करोड़ का है। बिहार में सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है, इस पे प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना है? इस बार के वो बड़े पक्षधर है और झारखंड में बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लिया कीजिए। झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो भाजपा ने राज किया जब से बचा, तो दोषी कौन है? प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रिसर्च करके बोलना चाहिए, पहले प्रॉम्प्टर पे कोई दे देता है पर्दा नहीं चाहिए, थोड़ा हकीकत से जानना चाहिए।